Hi guys, it's time for posting happiness. क्योंकि बोथ अभिनव एंड आई आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो हम लिंक्डइन पे काफी हेविली डिपेंडेंट होते थे. अब तो लिंक्डइन में इतनी वियर्ड चीज होने वाली है. जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ ही होगा, ये वाली वीडियो है लिंक्डइन क्रिंज. क्योंकि इतना ज्यादा मटेरियल है वहाँ पे जो आपने आज तक कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस है वो बहुत यंग है. तो हम अपने टाइम पे जब हाई स्कूल में आए थे और कॉलेज में पहुंच गए थे, तो लिंक्डइन एक प्रोफेशनल टूल था, लाइक प्रॉपर प्रोफेशनल. आप लोगों को ये कैसा लगेगा, मगर हमें ये बहुत क्रिंज लगता है, क्योंकि हमें वो वाला प्रोफेशनल लिंक्डइन याद है. अब ये वैसा बिल्कुल नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट, एंड पहले हम अनुभव के अकाउंट में जाएंगे और देखेंगे फीड में क्या आ रहा है. क्योंकि अभी हमने वीडियो स्टार्ट करते ही पहली चीज आई हमारी हंसी छूट गई. इतना क्रेजी हो गया लिंक्डइन, अब बहुत ही हाई लेवल जा रहा है. तो पहले सिर्फ ये होता था कि सब बोलते थे कि यू नो यू शुड हैव अ गुड प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, इट हेल्प्स यू गेट अनदर जॉब एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं. ये भी होता था कि लिंक्डइन में आपको अच्छे रेफरेंसेस, टेस्टिमोनियल्स ये सब मिलेंगे. अब तो मैं टेस्टिमोनियल वो रेफरेंसेस भी देखती हूँ ना, वो जैसे ऑकवर्ड था और ऑकवर्ड पे जो लिखते थे ना, वैसे वाले रेफरेंसेस मैंने देखे हैं काफी सारे. तो फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी. उनकी वैल्यू नहीं है, अब आपके पोस्ट्स की वैल्यू है, कितने लाइक्स आए, कितने शेयर्स आए. अब सब पागल हो गया उस रेस में. सो लेट्स गो एंड चेक आउट सम क्रिंज. सो सबसे पहला हम अनुभा के प्रोफाइल में जाके उसकी फीड चेक करते हैं. तो ये तो नॉर्मल है, किसी ने जॉब पोस्टिंग करी है, दैट्स फाइन. क्या हुआ क्या है वैसे, ये भी चलो पास, ये भी आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन चलो बट चलो इट्स फाइन. को आईआईटी में एडमिशन मिल गया, चलो चलो इंस्पिरेशनल है, वेरी नाइस. ये देखो, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. ये सर का लास्ट डे है, सर का लास्ट डे एट सम कंपनी. ओ भाई, ये देख यही हो जाता है. मुझे लगा चल दो तीन लाइट डालूंगी. देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो पूरा ऐसे लिखा है, पूरी सेल्फी भी ली है, लास्ट फोटो विद गिटार सब. यार मतलब क्या है यार, गिटार देखिए इसका प्रोफेशन क्या है, कोई आर्टिस्ट तो नहीं? कहीं नहीं कुछ क्या, रुक इसका प्रोफेशन मैनेजर. मैनेजर है केपीएमजी, ये कर रहे हैं. ओह नो, ऐसे हो गया सर, हम छोड़ से डॉक्स नहीं करते. ओह माय गॉड, नीचे खड़ी हूं मैं देखने, और दो दो फोटो लिए, एक ही लगा देता यहां से का मैडम का मन था इतना, उसने कहा चल तू एक अलग से मेरी गिटार के साथ लेना, ठीक है यार. एक डू इट और एक सोलो. क्यों ऐसे करते हैं, कोई जरूरत नहीं थी इसकी. क्यों सर, यार देख देख मैं तुझे क्या बोल रही हूँ कि जो पोस्ट है ना वो भी चल उतने तक ही रख दे, तो क्रिंज नहीं लगेगा किसी को, सब पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे. इतना लंबा कौन पढ़ता है यार, कोई नहीं पढ़ता. बट क्यों, बट फिर भी देखना, चल उसकी बहुत अंदर की इमोशंस निकल गए थे, चल लिख दिए, चल कोई बात नहीं. ये फोटो क्यों डाली उसने, After an amazing 8 years, it's time to move on to my next adventure. It's been an absolute pleasure. अच्छा ये अपनी जॉब छोड़ रही है, न्यू जॉब ज्वाइन कर रही है. It's just a quick post from myself last week. इसके लिए इसने बेचारी ने इतना टाइम दिया है, मेकअप किया है, बाल बनाए, सेट वेट करे, रेडी हुई है. और मतलब क्या उसकी पोस्ट में ये यहाँ से हमें समझ आ रहा है क्या हुआ है. हाँ ठीक है, वो जॉब छोड़ रही है, उसे बहुत दुख है, समझ आ गया. नहीं मेकअप लगा के अपनी वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद से पोस्ट करूंगी, तभी कंप्लीट होगा. After 8 years, wow, where has the time gone? I just can't believe it. But I do leave with a very heavy heart. It's been an amazing time, but it was the right time to move on. यही तो उसने लिखा है. तो यही ये बोल क्यों नहीं है, इसके लिए वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? You have to build your own personal brand. It's a thing, yaar, Anubha. Don't be a boomer. Okay. You have to be a professional. I'm not a boomer. तू मुझे boomer क्यों बुलाते रहते हैं? मेरी बातें boomer है ना? Rainbow on a Thursday evening should automatically mark end of the week. अरे वाह क्या बात है, ये 4 डे वर्किंग पे लगता है. आई रियली लाइक कैसे ना ये कुछ भी पोस्ट कर देंगे, कोई भी फोटो, घर पे बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. अरे खिड़की के बाहर भी बहुत अच्छा लग रहा है, एक फोटो ले लो. ओके अब मुझे इसे पोस्ट करना है, वो भी लिंक्डइन पे. तो अब इसको वैलिड कैसे बनाया जाए, चलो कोई ऐसा हैशटैग बनाते हैं जो इस पोस्ट से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है लेकिन दूर का कोई कनेक्शन है, जो प्रोफेशनलिज्म कॉर्पोरेट उससे रिलेटेड है. तो रेनबोस कॉल फॉर वीकेंड्स, लेट्स डू मोर. जैसे ये पोस्ट है ना, दिस इज फाइन, क्योंकि ये वो दिखा रहे हैं कि उनका वर्क फ्रॉम होम, टीम मीटिंग्स कैसे कर रहे हैं. एटलीस्ट ये वर्क है, प्रॉपर वर्क. वर्क रिलेटेड वो अपने बेबी को लेके घर में बैठा है, अपने डॉगी को, वो थोड़ा पता नहीं
मतलब कुछ लोगों को लग सकता है कि नहीं इट्स फाइन, हां तुम यू हैव अदर प्लेसेस उसको आउट करने के लिए, दिस इज नॉट वन ऑफ द, देखो नाउ दिस इज समथिंग आई अंडरस्टैंड कि किसी ने प्राउड मोमेंट टू हैव प्लान द वर्चुअल ऑर्बिट ग्रुप, दिस इज फाइन, तुम अपने आप को ही पर्सनल ब्रांडिंग करनी भी है, दिस इज हाउ यू डू टू शो योर वर्क। और जब मैं अभी बोल रही थी ना व्हेन पीपल से कि प्रोफेशनल और पर्सनल की लाइंस ब्लर हो रही है, तो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ कैसे ब्लर हो रही है कि अब वो घर पे बैठा है बट यू कैन क्लियरली सी कि उसका वर्क सेटअप है व्हिच इज फाइन। देख अब ये शो ऑफ पोस्ट भी इसने डाल दिए, टू कार्स आर हेल्प डिजाइन ऑन द ड्राइव ऑफ द हाउस आई ग्रू अप इन, प्लीज डू कम थ्रू लाइक कॉल्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग पोस्टर टू पोस्टर डिजाइन कम्युनिटी। पता है ये कार्स अगर इसकी खुद की ना होती ना और फिर इसने ये पोस्ट किया होता कि दिस इज द कार आई हैव डिजाइन, गुड लिंक्डइन पोस्ट, फाइन प्रोफेशनल, ये कार है जो मैं हमेशा से लेना चाहता था, मेरे घर के ड्राइववे पे खड़ी है जहाँ मैं पैदा हुआ था और मम आई डिजाइन योर कार। अब ये इसने क्रिंज कर दिया और प्रॉब्लम इसकी नहीं है, प्रॉब्लम अजीम की है जो शेयर कर रहे हैं ये वो तो कर ही चुका है, उसके बाद अजीम को इतना पसंद आ गया इसलिए मैं शेयर करूंगा अपने लिंक्डइन से क्योंकि इस पोस्ट को भी वो रिकॉग्निशन मिली नहीं है जो ये डिजर्व करती थी। ये आ गए सर, ये हमारे सीनियर ग्रूम टेक्निकल डायरेक्टर हैं, वो उसको ऑफिस में मिला है एम्प्लॉयर, वो शो ऑफ भी नहीं है, दैट्स चलो यू आर प्राउड ऑफ समथिंग एंड वो वर्क रिलेटेड है, तुम्हारा हार्ड वर्क एंड यू अचीव दैट रिजल्ट यू वर होपिंग फॉर, फिर इट मेक्स सेंस। एग्जैक्ट, न्यू स्टार्टर्स ऐसे फोटो खींच के डालेंगे, उनकी ब्रांडिंग भी होती है, तो ये सब अब पार्ट ऑफ वो बन गया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इट्स फाइन, इसमें भी कोई इतनी वो नहीं है। ऑन द वे टू बर्मिंघम फॉर द रिक्रूटमेंट एक्सपो, कैन नॉट वेट, अगर ये फोटो नहीं भी डालती तो भी, अगर ये सिर्फ ये लिख देती ऑन द वे टू बर्मिंघम, हम सबको पता चल जाता कि वो, पर वो फोटो बैठ के लेके डालनी विजिबिलिटी नहीं रहेगी मेरी पोस्ट की। हैव फन, होप यू मेक सम गुड कनेक्शंस, ग्रेट कनेक्शंस, ये सही है, टीम आउटिंग, नाइस, ग्रेट। पता है मेरे में क्यों नहीं आ रहे हैं काफी सारे ऐसे क्रिंज पोस्ट, सारे देख लिए, नहीं मैंने सबको अनफॉलो कर दिया जो ये बकवास पोस्ट कर रहे थे ना, मैं तो हेडिक, पता है लिंक्डइन खोलो फॉर इन्फॉर्मेशन की क्या अपडेट्स हैं, क्या चल रहा है एचआर में या एम्प्लॉयमेंट लॉ में, ये बकवास आ जा रहा है, आ जा रहा है कि आप छोड़ ही दोगे, अब ये मैडम मैराथन भाग के आई, नहीं जानना यार, नहीं जानना है, नहीं जाननी आपकी मैराथन, विल पावर, मोटिवेशन, फिटनेस, कुछ भी रिलेट कर दी। एक मैंने रिसेंट पोस्ट देखी थी, उसमें वो बंदे ने अपनी कॉफी का मग पकड़ के घर पे, वर्क पे भी नहीं, घर पे ऐसे स्टाइल से ऐसे फोटो खिंचाई थी, हाँ ऐसे करके, और उसके उसके हैशटैग्स क्या थे, मैं माइंड बर्स्ट हो गया मेरा वो पढ़ के, उसके हैशटैग्स इतने वियर्ड थे, हार्ड वर्क पेज ऑफ और क्या क्या हैशटैग, हैशटैग ब्लेस्ड, हाँ हैशटैग क्या क्या लिख रहा है यार, क्या वो कॉफी स्टाइल मार रहा है, कुछ कुछ नहीं समझ रहा। एक सर्टिफिकेट की फोटो डाल लेता जो अकम्प्लिश किया था उसने, है ना, वो सही रहता। इन ऑल ऑफ दिस ना मेरा एक फेवरेट पास्ट टाइम अभी लिंक्डइन ब्राउजिंग भी है, अब पहले मैं लिंक्डइन पे जाता नहीं था, अब मैं क्रिंज के लिए जाता हूं, बहुत मजा आता है मुझे। देख ये भी सही है, अभी ना वो दोनों सेमिनार गए, उन्होंने सेमिनार में सेल्फी ली और डाल दिया, फाइन ठीक है, क्योंकि सेमिनार वर्क रिलेटेड सेमिनार है ना, तो ठीक है चलो, बट अब वो घर जाते हुए एयरपोर्ट में अपने ऐसे कॉफी के साथ या ऑन माय वे टू होम आफ्टर दिस आफ्टर सेमिनार, हां तो वो फिर ये भी अच्छा है, इस टाइप के जो होते हैं कि मैंने अचीव किया है, ये देखो मेरे सर्टिफिकेट, अवार्ड, ये तो पर्सनल ब्रांडिंग है, इट्स गुड, माय वर्क स्टडी स्पेस। अब इसमें इसका काम बिल्कुल नहीं देगा, बट ठीक है, बहुत अच्छा आपका सेटअप है, अपना सेटअप दिखा रहा है, ये कौन से हैशटैग है, कश्मीर श्रीनगर, व्हाट कैट्स ऑफ इंस्टाग्राम, देखो ये तो भाई पूरा एकदम ऐसे वायरल ट्रेंडिंग पे जाना चाहते हैं, आ गया ये, योर सीवी डज नॉट डिफाइन यू, नो इट डज नॉट, फिर लंबा हो गया, ओह माय गॉड, basically यही अब LinkedIn में हो रहा है जो Instagram पे लोगों को दूसरों का अपने फ्रेंड्स का ये सब देख के होता था ना कि शिट हम लाइफ में पीछे रह रहे हैं क्या, ये तो नहीं हो रहा, अब LinkedIn में भी यही हो रहा है, तो उसने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी फोटो लेके डालूंगी और एंड में इसको लिंक कर दिया, मैंने कहा था ना एक लास्ट में एक लिंक होगा, योर सीवी डज नॉट डिफाइन यू, डज नॉट डिफाइन योर वर्क, योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, लर्निंग, ग्रोथ, ये वो, बहुत क्रिंज है यार, ऊपर की उड़ान में बैठ चुकी है, प्रमोटेड, क्या बात, प्रमोटेड हैशटैग, देखना प्रमोटेड हैशटैग सीनियर, ये क्या है, मैं सीनियर हो गई हूँ, अरे यार क्या है, वही होगा कि मेरे बेटे ने अगर मेरे पापा ऐसा पोस्ट करते थे ना, मैं पापा को कॉल करके ना उस
एवरी टाइम बोलती कि पापा क्या ये सब मत पोस्ट कर लिंक्डइन पे, फेसबुक पे ठीक है, हाँ यू आर प्राउड ऑफ योर चाइल्ड, व्हाट्सएप ग्रुप्स, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, वहाँ तो पेरेंट्स को आप रोक ही नहीं सकते, वहाँ तो बहुत फास्ट ट्रेन पकड़ के आगे चले जाते हैं. मेरी कंपनी में देयर वाज दिस गाय जिसको ना उसको दूसरी जॉब मिल गई थी, तो उसके लास्ट डे वो बहुत रो रहा था, मतलब वो मतलब इमोशनल हो गया कि आई वाज रियली अटैच्ड टू दिस प्लेस, ये वो. और फिर घर जाते ही उसने ना लिंक्डइन पे अपडेट कर दिया कि थ्रिल्ड टू गो टू दिस प्लेस और न्यू जॉब, ब्रिंग इट ऑन, हैशटैग ये वो. एंड उसके अगले दिन मेरे वर्क प्लेस में सब बोल रहे थे कि यू नो सुबह तो बहुत ऐसे सैड था, वेरी वेरी एंथुसियास्टिक, वेरी ईगर टू जॉइन द न्यू प्लेस. एंड मतलब अगर आपने ऑफिस में भी यही बोला है, अगर आपकी स्टोरी सेम है कि हाँ आई एम गोइंग फॉर बेटर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी ये वो डेवलपमेंट, फाइन. मगर अगर आपकी स्टोरीज अलग अलग है, आप ऑफिस में कुछ बोल रहे हो, तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल, वरना आप ऐसे बड़ी मतलब पकड़े जाओगे, बहुत वियर्ड लगेगा फिर, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं. हाँ ये नॉर्मल है, देख जैसे इसको मैं जानता नहीं हूँ, बट ये देख इसकी प्रमोशन हुई है तो ये खुद ही बस उसने अपना जॉब अपडेट कर दिया, दैट्स इट, तो कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज ही नहीं डाली इधर उधर की. I hired a site construction guy, lambi lambi story, phir work, transformation, family, success, love, job. Work, family, sab alag alag. Nahi, nahi, is mein mool mantra hai. Transformation, love bhi aa gaya, hashtag love, Gordon Ramsay. Yellow, in demand, LinkedIn should give a badge to those who don't post free gyan every day. वैसे ऐसे भी काफी लोग हैं जिनको नहीं पसंद ऐसी पोस्ट पढ़ना जो ऐसे नॉलेज बांटते हो. उसमें इंडिया में उसके लिए एक नया टर्म है, आपको पता ही होगा, ज्ञान कुछ करना. Here I am, back to life. I have so much imagination. Yo. चल डिसर्टेशन हो गई उसकी, ठीक है. क्या है ये, इंस्टा पोस्ट है? हाँ ये इंस्टा पोस्ट है. लिंक्डइन पोस्ट होती मतलब प्रोफेशनली, अगर सिंपल जाता वो अपनी डिसर्टेशन पकड़ के ऐसे खड़ी होती, सिर्फ वो ही दूसरी ऐसी वाली नहीं, लाइक्स नहीं आते, देख लाइक्स शेयर्स देखिए. हां वो तो मैं बता रही हूं कि असली लिंक्डइन पोस्ट क्या होती है, तो ये जो राइट वाली पिक्चर है सिर्फ ये, पर ये बढ़िया पिक्चर बनी वो लेफ्ट वाली पिक्चर की वजह से, ये ना कूद के जंपिंग शॉट्स, वरना राइट वाली पिक्चर लिंक्डइन अप्रोप्रिएट है, या फिर खाली डिसर्टेशन की उसकी वो भी चलती सर्टिफिकेट, लेकिन नहीं. देख मेरे वाले बंदे जो है जिनको मैं जानता हूँ, बड़े आराम से अपनी जॉब्स अपडेट करी है, कोई शोशेबाजियां नहीं. चल ये तो स्वीट है, ये भी सही है, ये वाला के साथ लास्ट डे. हाँ लास्ट डे, हाँ देख शॉर्ट एंड स्वीट है ये, यहाँ पे ठीक है. अगर वो यहाँ पे करती ना तो फिर वो वो फिर थोड़ा इंस्टाग्राम बन जाता है. अरे भाई, अरे यार ये क्या हो गया, इतने लोगों को पब्लिक टाइम कैसे, ये काम कब करते हैं अगर ये सब लिखते रहते हैं तो. सबको थैंक यू क्यों कहना है यार, ठीक है ना, उनको ना सबको, उनको लगता है एक बंदे को थैंक यू कह दिया तो वो बुरा मान जाएंगे, उनका नाम भी लिख दिया तो फलाने बुरा मान जाएंगे. ये करते 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 पूरे पूरे डिपार्टमेंट को थैंक यू आ जाता है. अगर आपको कंपनी ने जो भी बिजनेस ट्रिप या जहाँ भी भेजा है, तो आप काम कर रहे हो वहाँ जाके, आपको कोई कंपनी आप पे एहसान नहीं कर रही आपको बिजनेस ट्रिप भेज के, तो है कि अरे ये अपॉर्चुनिटी दे दी बिजनेस ट्रिप की, थैंक यू टू मिस्टर गोयल, मिस्टर ये मिस्टर थैंक यू. क्या है इसमें, कोई वो नहीं है, घूमने गए हो क्या, काम करने गए हो, घूम रहे हो? एक्चुअली ऐसी पोस्ट डालोगे तो बाकी एम्प्लॉइज 100% बोलेंगे कि ये घूमते हैं, कुछ नहीं करते. लॉन्ग वीकेंड अवे इन पोर्चुगल टू मीट अप विद यू आई कॉल. अब लोग इसको डिफरेंटली जज कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि तो क्या हो गया, दे आर गोइंग फॉर अ ट्रिप और उन्होंने लिख दिया फाइन. अब आप सोचो आप हो इनके वो एम्प्लॉय जिसको नहीं भेजा, आपको कैसा फील होगा, उनकी टीम में तो ग्रुप डायनामिक्स फिर कैसे चेंज होगी, शिफ्ट होंगे ना ऑब्वियसली, थोड़ा तो दिमाग लगाना ही चाहिए. तो किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, ये नहीं कि वो अपना चुपचाप करके आ जाए अपनी प्रमोशन ले ले, वो उसको हैज टू रब इट इन एवरीवन्स फेस की देख मैं लॉन्ग मुझे मिला तुझे नहीं मिला, बिजनेस ट्रिप और चुप कल जा रहा हूँ वीकेंड के लिए, गाड़ी में ओपन टॉप कन्वर्टेबल एकदम, धूप भी आ रही है आज, देख साथ देखो मेरे भगवान कितना देर की धूप ऊपर वाले की बरकत है. इसको बोल के इसने बोला कि मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ, प्लीज साइड से फोटो ले लो, ये देखो जब मैं ऐसे कर रहा हूँ हाँ लग रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ. कैंडिड शॉट, यहाँ भी कोई बैठा है, देख किसी ने फोटो ली है, कैसे लेते हैं यार इतना. हेड ऑफ कम्युनिकेशंस एंड गवर्नेंस कारियन वॉल्वो ग्रुप ने ये शेयर भी किया है, इनका कोई ड्राइव चल रही होगी.
वॉल्वो के कम्युनिकेशन हेड ने कहा कि देखो यार किस एम्प्लॉय ने कुछ डाला होगा लिंक्डइन पे, उसको शेयर करेंगे आज हम। सर एक है जिन मैडम कम्युनिकेशन हेड, वो उल्टी खड़ी थी, वेरी गुड, ये शेयर होगा वॉल्वो से।